12 तारीख के दिन, 12 तारीख के दिन सोमवार, सोमवार के दिन 12 तारीख को मैं कलेक्टर एजेंसी से बात करूंगा, खुद आऊंगा। और ये दलितों के भी जो बार बार हमारे SC ST वर्ग के अत्याचार और अनाचार हो रहा है, इसका भी साथ देना चाहिए। अभी अराजकता कितनी है, एक कई साल पहले एक मानसी करके एक पुरुष था जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ, उसका पूरे परिवार मानसी पटेल पूरे परिवार ने कब्जा किया, पूरे परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट की, अलग अलग मीडिया से बात की कि हमारे पिता को संबंधित मंत्री उठा के ले गए। पुलिस प्रशासन के कानों में झूमे रहे, जगह जगह राजनीतिक लोग भी, सामाजिक लोग भी, आम जन भी उसके फेवर में खड़े हुए, उस पर एक भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की। अराजकता का इतना बड़ा पाखंड ये सरकार करती है। फिर कोर्ट ने कल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया हुआ, बाहर से SIT घोषित की, बाहर के अधिकारियों की SIT घोषित की, IAS और IPS, और मानसिंह पटेल की खोज के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए। आज ऑर्डर आ जाएंगे आप लोगों के सामने संज्ञान में। आखिर थोड़ी भी संवेदना हो इस सरकार में संबंधित मंत्री गोविंद राजपूत में, तो आपको चूंकि कोर्ट ने कहा कि मानसिंह गायब हुआ और उसके लिए दोषी आप हो, उसकी जांच के आदेश दिए, कई अधिकारियों के सवाल उठे और नोट कराए कि इस सरकार में न्याय की अपेक्षा नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो जब तक मुख्यमंत्री से का थोड़ा बहुत भी राजनीतिक सेंस हो तो संबंधित मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। गोविंद राजपूत जी में भी थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो वो इस्तीफा दे कि मेरे पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिंह गायब हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, सरकार ने भरोसा नहीं किया, तंत्र पे नहीं किया, यहाँ की व्यवस्था पे नहीं। PCC चीफ जीतू पटवारी आज सागर जिले के शाहपुर गांव पहुंचे। इस दौरान पटवारी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और घटना पर दुख जताया, साथ ही उन्होंने सरकार से जर्जर इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जीतू आज सागर जिले के शाहपुर पहुंचे थे और यहां हुए हादसे में मृत 9 बच्चों के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने पीड़ितों से मिलकर घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए पटवारी ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है, लेकिन इस तरह के बड़े हादसे के बाद प्रदेश के मुखिया CM मोहन यादव को यहां आना चाहिए था, लेकिन CM इवेंट्स करने और अखबारों की सुर्खियों में छाने में व्यस्त हैं। जीतू ने मोहन सरकार से आदेश देने की अपील भी की कि प्रदेश भर में जर्जर इमारतों को गिराया जाए। अभी हाल ही में सागर जिले में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ था। यहां के एक गांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दीवार ढह गई, जिसमें 9 बच्चों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुर्घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4 से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की थी। PCC सुप्रीमो पटवारी ने बताया कि सागर जिले का चाहे बरोदिया नौनागिर मामला हो, चाहे मानसिंह पटेल वाला मामला हो, लगातार पिछड़े दलित लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसको लेकर 12 अगस्त को वह सागर पहुंचकर कलेक्टर और SP से बात करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। वहीं रीवा में CM मोहन के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। रीवा में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जर्जर दीवारों और कई सालों से खड़े मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर कार्रवाई की। बता दें कि 25 मकानों पर कार्रवाई होनी है। कल ही कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शहर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई होनी है।